जैसा कि आप और हम सभी लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि का त्यौहार आने वाला है। हिंदू धर्म में हर त्यौहार बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है। उन्हीं त्यौहारों में से नवरात्र भी एक ऐसा त्यौहार है जिसे लेकर माँ के भक्तों में बहुत ही उत्साह देखने को मिलता है। नवरात्र 9 दिनों का त्यौहार होता है जो कि हर साल 2 बार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और इन 9 दिनों में लोग माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा भी करते हैं। आपको बता दें कि गर्मियों की शुरुआत में आने वाले ये चैत्र नवरात्रों की एक खास महत्वता होती है। आपको बताते चलें कि साल 2019 में चैत्र नवरात्रि 6 अप्रैल से शुरू होगी और 14 अप्रैल तक चलेगी। इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ रहने वाली है जिसकी वजह से 3 राशियों पर माता अपनी खास कृपा को बरसाने जा रही हैं। इन राशियों पर इतना धन बरसेगा कि इस राशि के लोग संभाल नहीं पाएंगे। तो चलिए अब आप भी जान लीजिए उन राशियों के बारे में। पहला, मेष राशि। इस चैत्र नवरात्रि पर सबसे अधिक मालामाल होने वाली हैं मेष राशि के लोग। दरअसल ये चैत्र नवरात्र मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। व्यापार और नौकरी में मेष राशि को सफलता मिलने वाली है। धन का लाभ होने की संभावना है। पिछले पड़े हुए सब कष्टों से और कर्जों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। भाग्य आपका साथ देने वाला है, इसलिए आप जो भी कदम उठाएंगे आप उसी में सफलता हासिल करेंगे। दूसरा, मकर राशि। मकर राशि के लोग जल्दी क्रोध के भाव में आ जाते हैं, इसलिए आप इस नवरात्रि में ऐसा कोई भी काम न करें जिसके कारण आपको भारी नुकसान उठाना पड़े। इस चैत्र नवरात्रि में इस राशि के जातकों को माँ दुर्गा का व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि इस सप्तमी पर माँ दुर्गा आपके लिए खास सौगात लेकर आ रही हैं। इस राशि के लोग मालामाल भी होने वाले हैं। इसके अलावा किसी भी अच्छे काम को करने के लिए ये आपके लिए शुभ समय है। तीसरा, मीन राशि। कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है। इस राशि के लोगों पर बहुत समय तक महालक्ष्मी की खास कृपा भी बनी रहेगी। मीन राशि के लोगों को इन नवरात्रों में उनके आय के साधनों के मुताबिक सफलता हासिल होगी। इस राशि के लोगों के जितने भी काम रुके हुए हैं वो सब बनते चले जाएंगे। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से विनीत राय की रिपोर्ट।